जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, प्रेरक यानी मोटिवेटर्स। हम जिस मकसद को हासिल करना चाहते हैं वह है आत्म प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग कोई काम किसी दूसरे की पैदा की हुई वजहों से नहीं बल्कि अपनी खुद की वजहों से करें। ऐसी प्रेरणा ही टिकाऊ होती है। याद रखिए, सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति हमारा विश्वास है। हमें खुद में यह विश्वास पैदा करना होगा कि अपने काम और व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। लोग जब जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं तब गुणवत्ता यानी क्वालिटी, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, रिश्तों, टीम भावना के साथ काम यानी हर चीज में सुधार आ जाता है। दूसरों को प्रेरित करने के कुछ तरीके ये हैं, जैसे मान्यता दें यानी कि गिव रेकॉग्नाइजेशन, जैसे इज्जत दें मतलब गिव रिस्पेक्ट। अगला, काम को दिलचस्प बनाएं, मेक वर्क इंटरेस्टिंग। अगला, अच्छे श्रोता बने, बी अ गुड लिसनर। अगला, लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करें, इंकरेज गोल सेटिंग। अगला, विकास के अवसर मुहैया कराएं, मतलब प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। अगला, ट्रेनिंग दें, प्रोवाइड ट्रेनिंग। अगला, चुनौती पेश करें मतलब थ्रू अ चैलेंज। अगला, मदद करें पर दूसरों के लिए उन कामों को ना करें जिन्हें वे अपने लिए खुद कर सकते हैं, मतलब हेल्प बट डोंट डू फॉर अदर व्हाट दे शुड डू फॉर देमसेल्फ। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। लोग कोई काम हमारी पैदा की हुई वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से करते हैं। रैल्फ बॉल्डो एमर्सन के साथ घटी घटना से यह बात काफी अच्छी तरीके से जाहिर होती है। एक बार एमर्सन और उसका बेटा एक बछड़े को बखार में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। बछड़े को खींच खींच कर और धक्का दे देकर बाप बेटे बुरी तरह थक गए, पर बछड़ा बखार में नहीं घुसा। तभी एक छोटी सी लड़की उधर से गुजरी। उसने अपनी नन्ही सी उंगली बछड़े के मुंह में डाल दी। उसके बाद तो बछड़ा उंगली को चूसते हुए उस लड़की के पीछे पीछे बखार में बड़े आराम से चला गया। आपने हमारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से सुना और इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अगर आप चैप्टर्स की बताई गई कार्य योजना को नहीं करेंगे तो ये आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगे। तो इस चैप्टर की कार्य योजना है यानी एक्शन प्लान। सावर के नीचे नहाने वाला हर आदमी इस बात को जानता है कि यह आदमी ही है जो बौछारों से बाहर आता है, खुद को सुखाता है और कुछ ऐसे काम करता है जिससे एक उम्दा फर्क पड़ता है। पॉइंट पहला, ट्रेनिंग के जरिए गर्व की भावना विकसित कीजिए। पॉइंट दूसरा, कार्य क्षमता प्रदर्शित करने वालों को पुरस्कारित कीजिए। पॉइंट तीसरा, अच्छी तरह व्याख्यायित और स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए। पॉइंट चौथा, ऊंची उम्मीदें रखिए। पॉइंट पांचवा, साफ और निश्चित पैमाने तय कीजिए। पॉइंट छठा, दूसरों की जरूरतों को समझिए। पॉइंट सातवा, दूसरों को भी अपनी व्यापक योजना का हिस्सा बनाइए। पॉइंट आठवा, खुद को एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में पेश कीजिए। पॉइंट नौवा, दूसरों में आत्मसम्मान विकसित कीजिए। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा आत्मसम्मान यानी सकारात्मक नजरिया विकसित करना। धन्यवाद।
अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर DM कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।